हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का क्लास 11th का न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, किंगडम एनिमिलिया। राइट, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्लांट वाला कंप्लीट करा दिया। प्लांट वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसके जो मिड सेक्शंस के क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आप लोगों को एक अलग वीडियो में कराए हैं। राइट, देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, किंगडम एनिमिलिया वाला। देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ के आए हैं। किंगडम एनिमिलिया यानी कि एनिमल किंगडम में कौन कौन सी कैटेगरी है, कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं और उनको किस किस अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, यही पढ़ना होता है हमें किंगडम एनिमिलिया में। तो यही पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हमारे सामने कुछ 3 क्वेश्चन हैं, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। देखिए, आप लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ के आए हैं कि किंगडम एनिमल बिल्कुल अलग है, प्लांट किंगडम अलग होता है, एनिमल किंगडम अलग होता है। तो एनिमल किंगडम को जो हम एनिमल किंगडम में बहुत सारे कैटेगरीज के वैरायटीज के एनिमल्स हैं और हर एक वैरायटीज के एनिमल्स को अपने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है। तो पूछा गया है कि जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो आप लोगों को याद होगा, फूड के बेसिस पर। कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ आपके जो सेप्रोफाइटिक होते हैं। राइट, तो फूड के बेसिस पर। दूसरा, जोग्राफिकल रीजन के बेसिस पर, कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में, टेरेस्ट्रियल है या फिर एक्वेटिक है, माउंट एरियाज है, जोग्राफिकल रीजन। थर्ड है यानी कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। बॉडी स्ट्रक्चर है, सिर्फ सेल ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेन ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। तो इनके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को अलग अलग वेराइटीज के, मतलब जो एनिमल्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट है, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर एच विटेकर, जिनको याद है वो तो बहुत बढ़िया, और जिनको याद नहीं है वो याद कर लें। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर एच विटेकर ने दिया था। नाउ व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग एनिमल्स की डिफरेंट वेराइटीज को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में पढ़ते हैं। वाई, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है और क्यों हमें जरूरत है क्लासिफिकेशन की। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जो हमारी वैरायटी अवेलेबल है एनिमल्स की, हर एक एनिमल्स की वैरायटी के अपने कुछ अलग अलग फूड हैबिट्स होंगी, ज्योग्राफिकल रीजन होगा या फिर बहुत सारी चीजें होंगी। तो उन्हीं चीजों को समझने के लिए हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। सपोज करिए आपको 5 एनिमल्स दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि हर एक के बारे में पता लगाओ, पॉसिबल नहीं है ना। नहीं पॉसिबल है, जब तक आपको उनके ग्रुप के बारे में नहीं पता होगा आप उनके बारे में कैसे पता लगा सकते हो। लेकिन आपको बता दिया जाए कि 5 एनिमल ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल है और आपके हेटरोट्रॉफ्स हैं, राइट, एक्वेटिक हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, टेरेस्ट्रियल ले लीजिए, एक्वेटिक ले लीजिए, तो आप सिंपल बता दोगे कि अरे यार इसकी हैबिट ये है, ये यहाँ पर रहना पसंद करता है, ये है, राइट। तो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी नहीं है कि हमने उसको एक अपना काम आसान कर लिया, हमने उन एनिमल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करने के लिए हमने उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया। अगर आपको 1 लाख एनिमल दे दिए जाए और कहा जाए हर किसी के बारे में पढ़ो, हर किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ के बारे में पता लगाओ, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि 1 लाख में से 10,000 एनिमल्स एक ग्रुप के हैं, 10,000 दूसरे ग्रुप के हैं, 10,000 तीसरे के, फोर फिर अलग अलग तरीके से, तुरंत पता लगा लो क्या, अरे ये तो एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, माउंटेनियस है, ये जो भी कुछ है, राइट।
इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन में डिवाइड करके पढ़ते हैं एनिमल किंगडम। यू आर फैमिलियर विद एनिमल्स एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑब्जर्व इन द ग्रुप। देखिए, एनिमल्स के बारे में आप सब लोगों को ज्यादातर पता ही है, के कैरेक्टर्स के बारे में पता ही है, और ये भी पता है कि हमारे पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है वो किंगडम एनिमल की है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया यूज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल को जब हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, तो किस क्राइटेरिया किसके बेसिस पर करते हैं? सबसे पहला है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट हैं, राइट? टिश्यू ऑर्गेनिज्म में कुछ है ही नहीं। जैसे अमीबा, सेल ना, सिंगल सेल। पैरामीशियम सेल है, ईस्ट सेल है, इनमें टिश्यू नहीं होते। दूसरे नंबर के आपके आ जाते हैं सेल और टिश्यू, यानी कि उसकी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल भी प्रेजेंट है और सेल कॉम्बाइन होके क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं। थर्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं कि उसमें सेल प्रेजेंट है, सेल ने मिलके टिश्यू बनाया है और टिश्यू ने मिलके क्या बनाया है, ऑर्गेन बनाए हैं। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर, बॉडी सिमेट्री तीन टाइप की होती है, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। और थर्ड डिवीजन होता है हमारा बॉडी कैविटी के बेसिस पर, अकॉलमेट, स्यूडो कॉलमेट और कॉलमेट। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने बता दिया, थोड़ा सिमेट्री के बारे में भी बता देती हूँ। एक सेकेंड, वैसे नाइन्थ में आपका पूरा है, थोड़ा सा रिवाइज ही कर रहे हैं हम लोग एक तरीके से नाइन्थ को, दोबारा वही समझ लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म को इसे कौन से पॉइंट से आप कट करो कि वो इक्वल पार्टीशन में डिवाइड हो जाए। जैसे एक ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग को सेंटर से डिवाइड करेंगे टू इक्वल हाफ पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा, इट इज कॉल्ड बॉडी सिमेट्री। असिमेट्री का मतलब होता है यहाँ पर कि आपका असिमेट्री में क्या है कि कोई सपोज करिए दिस वन, मैंने कि अमीबा बना दिया, क्या मैं अमीबा को किसी भी पॉइंट से डिवाइड करूं टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड होगा? कभी नहीं हो सकता। मैं यहाँ से डिवाइड करूंगी तो इधर ज्यादा हो जाएगा, मैं यहाँ से डिवाइड करूंगी तो इधर ज्यादा हो जाएगा। असिमेट्री है, कोई सिमेट्री नहीं है। अब उसे किसी भी पॉइंट से डिवाइड कर दो वो टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड होगा ही नहीं, बल्कि अनइक्वल हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री में कि आपको जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको जब आप मिड सेंटर से डिवाइड करोगे लाइक दैट, तो वो डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करोगे तो यहाँ से ऐसे डिवाइड हो गया, ऐसे करोगे तो इधर से डिवाइड हो गया, राइट? एक होती है बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री भी बताते हैं। बायलेटरल सिमेट्री, बाय का मतलब होता है टू, द मीनिंग ऑफ बाय इज टू। बायलेटरल सिमेट्री में ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं कि उनको मिड सेंटर से करा कट किया जाए तो टू इक्वल हाफ पार्ट्स में, सिर्फ कितने, टू इक्वल हाफ पार्ट्स में, जिसे हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बॉडी कैविटी का मतलब है जो कैविटी होती है, जैसे हमारी बॉडी में चेस्ट कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, लाइक दैट। एकॉलमेट होते हैं जिनके अंदर पूरी बॉडी, पूरी तरीके से कंप्लीट बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। स्यूडो कॉलमेट होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है लेकिन डेवलप नहीं है पूरी तरीके से, और कॉलमेट होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा जर्म लेयर्स, तीन जर्म लेयर्स होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर्स में हमारी आ जाती हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो जर्म लेयर प्रेजेंट हो, वो होंगी डिप्लोब्लास्टिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये तीन जर्म लेयर के नाम मैं बता देती हूँ, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीन लेयर होती है। अगर किसी में सिर्फ और सिर्फ एक्टो और एंडो प्रेजेंट है तो वो होते हैं डिप्लोप्लास्टिक। अगर तीनों, किसी भी ऑर्गेनिज्म में तीनों प्रेजेंट है, एक्टो, मेसो और एंडो, उन्हें हम कहेंगे डिप्लोप्लास्टिक। इसके अलावा सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन में अनसेगमेंटेड और सेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड का मतलब होता है आपका कि जब बॉडी बिल्कुल प्रॉपर एक कंटिन्यूअस बनी रहती है, उसके बीच में कोई भी ज्वाइंट नहीं होता, नो ज्वाइंट। जैसे वॉर्म्स, बहुत सारे वॉर्म्स ऐसे होते हैं सिंपल राउंड इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, उनकी बॉडी में कोई भी ज्वाइंट नहीं होता। एक होती है सेगमेंटेड, सेगमेंटेड का मतलब होता है जिसकी बॉडी में ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी सेगमेंटेड है, बहुत सारे ज्वाइंट प्रेजेंट है।
ओके, तो इनके बेसिस पर हम लोग एनिमल्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग एनिमल बॉडी प्लान पर, सेल एग्रीगेट प्लांट। सेल एग्रीगेट का मतलब होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आपने देखा ना, ओनली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन लिख लो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिख लो, कुछ भी लिख लो भाई। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेल प्रेजेंट होती है, सेल मिलते नहीं है, कॉम्बाइन नहीं होते तो टिश्यू नहीं बनते, जब टिश्यू नहीं होंगे तो ऑर्गेन नहीं होगा, और ऑर्गेन नहीं है तो कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता। ऐसे एनिमल बॉडी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस बॉडी प्लांट सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यू। ऐसी बॉडी में सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनाते, और टिश्यू नहीं बनते तो ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। एंड देयर इज मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिविजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, इट इज फाउंड इन पॉलीफेरा। इसमें ना जो डिफरेंशिएशन होता है बहुत ही कम होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है यहाँ पर हाथ, पैर, आंख, नाक, ईयर, इन सब का डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्योंकि इनके डिफरेंशिएशन के लिए ऑर्गेन होना जरूरी है, ऑर्गेन के साथ साथ टिश्यू होना बहुत जरूरी है। और जब यही दोनों नहीं है तो इनकी बॉडी में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। और ज्यादातर इसका एग्जाम्पल पॉरीफेरा, यानी कि ये क्या है, ये पॉरीफेरा में फाउंड आउट होते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया भी हुआ है यहाँ पे स्पॉन्ज। एज यू कैन सी, सिर्फ इसकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, कोई टिश्यू, कोई भी ऑर्गेन नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सिंपल एक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से शेप में दिखाई दे रहा है, ना हाथ ना पैर ना कुछ भी नहीं है, राइट। दूसरा आ जाता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक देखिए क्या होता है। इन दिस बॉडी प्लान बॉडी इज लाइक अ सेक विद सिंगल ओपनिंग। सेक का मतलब है यहाँ पर आपका कि अंदर से खाली। द मीनिंग ऑफ सेक का आप सिंपल मीनिंग लिखना चाहे तो स्पेस लिख सकते हैं। स्पेस मतलब खाली होती है जगह, राइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी अंदर से ना खाली होती है और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, यहाँ पर एज यू कैन सी सिर्फ एक ही ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, माउथ। डाइजेशन इज कैरी आउट इन दिस सेक लाइक स्ट्रक्चर वेयर इंजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेम ओपनिंग। यहाँ पर ये आपको पूरा अंदर खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो उसको बोला गया सेक, अंदर से खाली स्पेस है। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है, ये माउथ है, इस माउथ से वो खाना खाएगा, खाना इसकी बॉडी में जाएगा, इसकी बॉडी में वो यहीं पर, ये जो पूरा स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डाइजेशन होगा, यहीं पर इंजेशन हो जाएगा सब कुछ। और इंजेशन भी यानी कि जो इसका खाना अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी इसी माउथ के थ्रू इसकी बॉडी से आउट हो जाएगा। सिर्फ एक ओपनिंग होती है। एग्जाम्पल में जितने भी फाइलम सिनेड्रिया है, फाइलम सिनेड्रिया के सारे मेंबर्स आपके ब्लाइंड सेक बॉडी प्लांट के होते हैं। थर्ड आता है यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी खुद की एक तो ट्यूब जैसी होती है। खुद की बॉडी कैसी है, ट्यूब जैसी है, और उसकी बॉडी में भी एक ट्यूब की तरह एंटरिंग, एंटर और एग्जिट होता है, एंटर और एग्जिट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी। यहाँ पे देखिए फिश आपको दिख रही होगी, फिश में आप देख रहे हो उसकी खुद की बॉडी तो पहले से ट्यूब जैसी होती है, ट्यूब लाइक तरीके से, और आप देख रहे हैं कि उसके माउथ से एक ट्यूब हो रहा है और लास्ट में उसकी एग्जिट हो रही है, ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। और जो हमारा इसमें जो फिश में डाइजेशन होता है, इस पूरे ट्यूब के बीच में जो पूरा स्पेस प्रेजेंट है ना, कैविटी प्रेजेंट है ट्यूब में, इसमें यहाँ पर इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट टू सेपरेट एंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें जो माउथ है इसके स्टार्टिंग एंड में होता है और एनस इसके अपोजिट एंड में होता है। एनिलिडा ऑनवर्ड्स ऑल फाइला शो दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान। एनिलिडा जितने भी फाइलम है, एनिलिडा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी बॉडी होती है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इजी है। देखिए यहाँ पर आपको लेयर और टाइप्स ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल्स में दिखाए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी तीन जर्म लेयर होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म।
जिसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट जब अगर दो जर्म लेयर प्रेजेंट है, अगर तीन जर्म लेयर प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये एक सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक्टोडर्म, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है, ये एक्टोडर्म है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, बीच में खाली है बिल्कुल। और सबसे इनर वाली लेयर कौन सी है? एंडोडर्म, राइट। और यहाँ पर ये अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव कैविटी। यहाँ पे देखिए ये ट्रिप्लोब्लास्ट है, सबसे आउटर वाली लेयर होगी, सॉरी हाँ आउटर वाली लेयर होगी यहाँ पर एक्टोडर्म। बीच वाली लेयर होगी आपकी मेसोडर्म, और सबसे इनर वाली लेयर होती है एंडोडर्म। और यहाँ पे जो अंदर है सबसे इनर मोस्ट, ये डाइजेस्टिव कैविटी। इस तरीके से टिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनिज्म में लेयर का ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे सिमेट्री देख लीजिए, सिमेट्री में असिमेट्री बताया था मैंने, आप इसे कहीं से भी डिवाइड करो, कहीं से टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। रेडियल में सेंटर से अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करो तो वो इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और बायलेटरल में मिड सेंटर से सिर्फ और सिर्फ टू पार्टीशन में डिवाइड होना चाहिए, वो भी इक्वल, इसे बोलते हैं बायलेटरल। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ जाता है ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन जो आप पूरा 9th में पढ़ के आ रहे हो, पॉरीफेरा, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब दोबारा से रिपीट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा से। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर्स, द मीनिंग ऑफ पोरीज पोर्स एंड द फेरॉन इज बियरिंग। पोरीफेरा, अगर आपको ये फाइलम याद करना है तो मीनिंग समझ लो, पोरी पोर, पोरी पोर, जिसमें छेद हो, पोर्स मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर पूरी होल ऑल ओवर बॉडी पे क्या प्रेजेंट होंगे? पोर्स प्रेजेंट होंगे। पहले एग्जांपल दिए गए हैं, स्काइफा है, यूस्पेनिया है, यूप्लेक्टेला, जैसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, ये एग्जांपल आ जाते हैं तो फाइलम पॉरीफेरा में। फीचर्स देख लेते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड फ्यू आर लिव्ड इन फ्रेश वाटर एंड आर आल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस। और पॉरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स आते हैं, तो हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव असिमेट्रिकल बॉडी, ज्यादातर इनकी असिमेट्रिकल बॉडी होती है। असिमेट्री का मतलब कहीं से भी इसे डिवाइड करो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। बॉडी ऑफ दीज एनिमल कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स विद लिटिल डिवीजन ऑफ लेबर। इनके एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोई डिवीजन नहीं होता। डिवीजन का मतलब ना हाथ ना पैर ना नाक कुछ नहीं होता, राइट। सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। हैव देयर बॉडी इज कंसीडर्ड एज अ कॉलोनी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इनकी बॉडी को हम लोग कॉलोनी भी कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की, क्योंकि एक स्पॉन्ज में एक से मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक ही सेल से मिलके बना है, बहुत सारे सेल से मिलके बना होगा। डिफरेंट टाइप के, सपोज करो 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, 10 डिफरेंट या 50 डिफरेंट, इसीलिए इनकी बॉडी को हम लोग कॉलोनी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर सेडेंट्री एनिमल्स, सेडेंट्री एनिमल्स होते हैं। ऑन देयर बॉडी दे बियर न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड उस्टिया, और इनकी बॉडी पर बहुत सारे छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट रहते हैं ऑल ओवर बॉडी पर, और उन पोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। थ्रू विच वाटर एंटर्स इन टू द बॉडी कैविटी स्पॉन्ज। इनकी जो वाटर, इनकी जो बॉडी कैविटी का नाम है वो है स्पॉन्जोकॉल। जैसे हमारी बॉडी का नाम होता है ना चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ऐसी उसकी बॉडी कैविटी का नाम है स्पॉन्जोकॉल। और इन ऑस्टिया के थ्रू, माइन्यूट पोर्स के थ्रू, इनकी बॉडी में वाटर एंटर करता है, और फिर वाटर जब इनके पोर्स के थ्रू एंटर करता है तो कहाँ एंटर हो जाता है? इसकी बॉडी कैविटी स्पॉन्जोकॉइल में। नाउ वाटर लीव्स द बॉडी थ्रू सिंगल लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूला। अब ये जो वाटर है बहुत सारे पोर्स के थ्रू एंटर तो हो गया, लेकिन निकलता सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो इसकी एक तरीके से माउथ का काम करता है। लार्ज ओपनिंग होती है, सबसे बड़ी ओपनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। और इस ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर क्या है? बाहर निकल जाता है। वाटर इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी थ्रू द कैनाल सिस्टम। इसका जो वाटर है इसके पूरे अंदर की साइड सर्कुलेट करता है। जैसे हमारी बॉडी में हमने माउथ से पानी पिया, ऑल ओवर बॉडी में क्या है? सर्कुलेट करेगा।
जितनी भी पोर्स के थ्रू इसके बॉडी में वाटर एंटर होगा वो पूरे इसके बॉडी में सर्कुलेट करेगा केनाल सिस्टम के थ्रू एंड देन लास्ट में ऑस्क्यूला से बाहर निकल जाएगा। ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन सेल्स ऑफ द एनिमल बॉडी एब्जॉर्ब फूड एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस एंड रिलीजेस एक्सक्रीटरी प्रोटीन। जब इसकी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा होता है पूरे वाटर का तो उस टाइमिंग पर ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, अपने जो इसकी गैसेस हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उनको एक्सचेंज करता है और इसकी बॉडी में जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बने हैं उनको भी रिलीज कर रहा होता है। यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया आपको साइकॉन का। यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा साइकॉन दिखाए गए हैं, एक ये बड़ा वाला एक छोटा वाला, लेकिन बेस सेम है, एक ही बेस से ये प्रोड्यूस्ड हुए हैं, इसे बोलेंगे कॉमन बेस। ये पूरी इसकी बॉडी है दोनों की। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टिया। फिर एज अ माउथ इसका सिर्फ एक ही ओपनिंग लार्ज ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूला। की बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है उनको बोला जाता है कॉनोसाइट और जो बाहर जो इसकी लेयर दिख रही है उसको बोलेंगे एपोफाइट। स्पॉन्ज के अंदर आई मीन जो साइकॉन के अंदर यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको कियानोसाइट कहा जाता है और जो आउटर लेयर एक तरीके से दिख रही है स्पॉन्ज की साइकॉन एग्जाम्पल ये होती है एपोफाइट। ओके क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। स्पॉन्जोकॉल इज लाइन बाय स्पेशल फ्लैगेलेटेड सेल्स कॉल्ड कॉइंसोसाइट्स और कॉनोसेल्स। देखा भी हुआ है स्पॉन्जोकॉल मतलब जो आपका स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के अंदर की बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं स्पॉन्जोकॉल, और इस स्पॉन्जोकॉल के अंदर जो छोटे छोटे हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं कॉइंसोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। कैसे भी लिख सकते हैं। बीटिंग ऑफ फ्लैगला क्रिएट्स वाटर करेंट्स। यहाँ पर क्या होता है जब हम फ्लैगला होता है, फ्लैगला का मतलब है उसकी जो टेल होती है उसके मूवमेंट के लिए, द मीनिंग ऑफ फ्लैगला एक तरीके से टेल है जो मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। तो जब हम फ्लैगला को बीटिंग करेंगे तो वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, लहरें जिसे हम बोलते हैं वाटर करंट्स। एंड बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सपोर्टेड बाय कैल्शियस सिलिकस स्पैकुलस और प्रोटीनेशियस बोन्स फाइबर्स। की बॉडी कैल्शियस या फिर सिलिशियस स्पाइकल से सपोर्ट करती है, यानी कि इनकी जो बॉडी है कैल्शियस और सिलिशियस स्पाइकल्स या फिर प्रोटीनेशियस स्पॉन्स फाइबर से सपोर्ट मिलती है। यहाँ पर अदर एग्जांपल के डायग्राम आपको दिखाए गए हैं, यूस्पोंजिया एंड यूप्लेक्टेला। ये फ्लैगला दिख रहा है आपको यूप्लेक्टेला का, दिस वन फ्लैगला एक तरीके से टेक। फ्लैगला क्या करती है जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म में फ्लैगला प्रेजेंट रहती है उसको मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। असेक्सुअली भी प्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी प्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय फर्मेंटेशन एंड गैम्यूल फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंट या फिर जैम्यूल फॉर्मेशन से होता है। दीज एनिमल्स हैव एबिलिटी टू रीजनरेशन। इनके पास अपनी खुद की एबिलिटी है रीजनरेशन करने की। रीजनरेशन होता है अगर इनकी बॉडी को पार्ट को कट कर दिया जाए दोबारा से फुल बॉडी पार्ट में ग्रो कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट्स के थ्रू होगा, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स रिप्रोडक्टिव सेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है एंड द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू इनडायरेक्ट लार्वा स्टेज। और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वा स्टेज से होता है, यानी कि जो बेबी प्रोड्यूस्ड होगा वो होगा लार्वा स्टेज एंड देन फिर धीरे धीरे करके वो स्पॉन्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। टिपिकल स्पॉन्ज बॉडी, एक जो टिपिकल स्पॉन्ज बॉडी होती है वो दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर ये है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का मतलब है जिस जगह पे वो अपना सपोर्ट लिए हुए हैं अपने आप को। ये इसकी सेंट्रल कैविटी बीच में, ये इसकी लार्ज ओपनिंग दिखाई है ऑस्क्यूलम राइट। और ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जानते हैं ना लेयर होती है। यहाँ पे इसके ये अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉलर सेल्स, दिस वन ऐसे होती है इसकी जो शेप है। कॉलर सेल्स पे फ्लैगलम दिखाया है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं कॉइंसोसाइट। और इसके जो इसमें सेमी फ्लूइड इसमें से मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है एंड सिलिका, यहाँ पे ये पूरा इसका ऑस्क्यूल दिखाया गया है एंड सिलिका एपिकल्स। यहाँ पे इसकी जहाँ पे ऑस्क्यूलम होता है ना ऑस्क्यूलम के जस्ट पास में ही सिलिका एपिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि इसकी बॉडी को क्या करते हैं
सपोर्ट करते हैं। ये पूरा एक स्पॉन्ज का डायग्राम है, ये उसके कॉलर सेल का डायग्राम है, और इसके ऑस्क्यूलम के पास क्या क्या चीज प्रेजेंट रहती हैं, यानी कि ये पूरा ऑस्क्यूलम है, ऑस्क्यूलम के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, उस गैप के बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, सेमी फ्लूइड है, और वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं सिलिका स्पाइकुलस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सिलिका स्पाइकुलस, जो उसकी बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है सिनेड्रिया फाइलम, पॉलीफेरा पढ़ लिया, सिनेड्रिया पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रा ऑरिला जिसे हम जेलीफिश कहते हैं, फाइसिलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडमिशिया सी एनेमोन, डिप्लोरिया ब्रेन कूलर, और गॉर्गोनिया सी फ्रैंक, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर, दे आर सेजाइल ऑफ फ्री स्विमिंग है, अपने कहीं भी स्विम करते हैं, दे शो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि अगर इनको बीच सेंटर में से कट किया जाए दे विल डिवाइड इन इक्वल डिफरेंट पार्ट्स, एंड डिप्लोब्लास्टिक है यानी कि सिर्फ दो लेयर प्रेजेंट होंगी जर्म की, एंड ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान इसमें होगा। एनिमल एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स, इनकी एनिमल्स में दो फॉर्म शो होती है, एक होती है पॉलिप यानी कि ऐसे एनिमल जो जिनकी सिलेंड्रिकल फॉर्म होगी, और होते हैं दूसरे होते हैं मेडूसा जिनकी अम्ब्रेला लाइक होती है। ऐसे फाइलम सिनेड्रिया में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, एग्जांपल में हाइड्रा लिखा है, दूसरी होती है मेडूसा जिनकी शेप होती है अम्ब्रेला लाइक, जैसे ये जेलीफिश का दिखाया गया, जेलीफिश की अम्ब्रेला लाइक शेप होती है। This one, ये इसकी ओरल आर्म है, ओरल आर्म यानी कि जो उसको खाने में पकड़ने में हर चीज में हेल्प करती है, ये इसका अम्ब्रेला सरफेस लाइक दैट। अब इस अम्ब्रेला सरफेस पे कुछ इस तरीके से लास्ट में इसकी प्रोटेक्टिंग हेयर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल लैपेट, फिर यहाँ पर इसके ऊपर जो सरफेस प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं सबव्यूलर सरफेस, मार्जिनल टेंटिकल्स, दीज आर द मार्जिनल टेंटिकल्स, ये पूरा आपका एग्जांपल दिया है जेलीफिश का। बॉडी कैविटीज मीन फॉर सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन, इसकी बॉडी में जो बॉडी कैविटी होती है डाइजेशन भी वही होता है, सर्कुलेशन भी वही होता है, हेंस कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और इसकी बॉडी का नाम है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। टेंटिकल्स बियर्स नेटोब्लास्ट और सिंगिंग सेल्स विच आर मीन फॉर एनकॉर्ब ऑफेंस एंड डिफेंस, यहाँ पे इसके टेंटिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, This one, ये जो इस तरीके से लटक रहे हैं, right? ये इसको बचाने के लिए हेल्प करते हैं, जब कभी भी इसको लगता है कि इसकी तरफ कोई खतरा है कुछ भी है तो अपने आपको डिफेंस करने में हेल्प करता है। सिनेड्रियस रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, सेक्सुअली भी और असेक्सुअली भी। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग और रीजनरेशन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स बाय गैमेट फॉर्मेशन। They exhibit alternation of polyp generation with medullary generation. इसमें भी alternation show होता है generation का। पहली generation आएगी polyp वाली, यानी कि cylindrical shape में organism आएगा। दूसरा आता है इसमें umbrella shape में। फिर वो उसमें से बच्चे produced हुए, babies produced हुए medullary, फिर वो polyp generation आई, polyp से medullary आई, फिर medullary, फिर polyp, फिर medullary, तरीके से alternation show होते हैं। और इस पूरे phenomenon को बोलते हैं हम लोग metagenesis। ये जो उसकी generation का alternation हो रहा है that phenomenon is called metagenesis. Polyps produce medulls asexually and medulls produce polyps sexually. जब polyps की next generation आती है medusa, तो जो आती है वो asexual method से आती है। जब medusa से polyp वाली generation आएगी, तो वो sexually आती है, यानी कि sexually मतलब बोल सकते हैं आपको gametes के production से। Example में ovalia दिया हुआ है। ओके यहाँ तक क्लियर है, दो फाइलम मैंने आप लोगों को करा दिए, पूरा नाइन्थ का रिवीजन चल रहा है, आपके सेकंड चैप्टर में भी चला था, थर्ड चैप्टर में भी चला था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाले में, सिस्टमैटिक ऑफ क्लासिफिकेशन में भी, इसमें भी एक तरीके से नाइन्थ का या टेंथ का चैप्टर चल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आपको आनी चाहिए। अगर नाइन्थ क्लियर है तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बाकी के जो आगे के फाइलम है हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।